हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आपको तो पता ही है कि हम लोग अभी पाराबोला पढ़ रहे हैं, और पाराबोला में जस्ट अभी एक इंट्रोडक्टरी जो आपका लेक्चर था वो आपने देखा, जिसमें हमने क्या किया कि पाराबोला के डेफिनेशंस को यूज करके एक जनरल इक्वेशन ऑफ पाराबोला लिखा, और फिर हमने पढ़ा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला क्या होता है, जिसका वर्टेक्स आपका ऑरिजिन पे रहता है वो होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला, और एक्सिस जो होगा उसका या तो एक्स एक्सिस होगा या तो वाई एक्सिस होगा। चलिए, कुछ यहाँ पे हेडिंग बना हुआ है, लिखा हुआ सम टर्म्स रिलेटेड टू पाराबोला। हम ये जानना चाहते हैं कि पाराबोला में कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो हम लोग को जानना चाहिए, तो देखो क्या करते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक बड़ा सा फिगर ट्रेस करते हैं, और उसी में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि किस चीज़ को क्या बोला जाता है। ठीक है, ये आपका वर्टेक्स हो गया, ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस एक्चुअली है, और यही एक्सिस ऑफ पाराबोला हो जाएगा। अभी जस्ट मैंने कहा कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला में क्या होता है कि वर्टेक्स आपका ओरिजिन पे लाई करता है, तो यहाँ पे ए जो है यही आपका पाराबोला का वर्टेक्स है। और इतना ही नहीं, और क्या होता है कि एक्सिस जो होगा या तो एक्स एक्सिस होगा या तो वाई एक्सिस होगा। तो इस बार जो एक्सिस ऑफ पाराबोला है यही आपका क्या है, एक्स एक्सिस है, ये एक्चुअली है एक्सिस ऑफ पाराबोला। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और ये जो ए है इसी को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स, ये आपको क्लियर हो गया होगा। और यही स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला है जिसका इक्वेशन था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स, एक्चुअली था नहीं, इसको है भी बोल सकते हैं। ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स। चलिए, अब इसका जो फोकस होता है वो हो गया यहाँ पे, फोकस को हम लोग एस से इंडिकेट करते हैं, और ये कोऑर्डिनेट हो गया ए कॉमा जीरो। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गया, तो वर्टेक्स से जितना आगे, कितना आगे, तो हमको पता है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपका ए है, तो वर्टेक्स से जितना आगे फोकस उतना ही पीछे डायरेक्ट्रिक्स होता है, और डायरेक्ट्रिक्स वो लाइन होता है जो कि क्या होता है, एक्सिस पर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट्रिक्स हो गया, और इसका इक्वेशन कितना था, इसका इक्वेशन हो गया एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, यही है आपका डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। और ये जो एस है यही आपका क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। इतना सारा चीज़ तो हमको पहले से ही पता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग पॉइंट आउट कर देते हैं, मतलब हम लोग देखते हैं कितना पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पहला पॉइंट है वर्टेक्स। ठीक है, तो वर्टेक्स क्या हो गया, वर्टेक्स को हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं, और इस पाराबोला का जो वर्टेक्स है ये आपका हो गया ए कॉमा जीरो। ठीक है, चलिए, दूसरा पॉइंट है फोकस। फोकस को हम लोग एस से इंडिकेट करते हैं, और यहाँ फोकस जो है आपका कितना है, सॉरी वर्टेक्स आपका जीरो कॉमा जीरो है, ओरिजिन, फोकस कितना हो गया ए कॉमा जीरो। ठीक है, चलिए आइए, तीसरा है आपका एक्सिस, तो ये हो जाएगा एक्सिस। एक्सिस कौन हुआ, तो एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ एक्स एक्सिस ही आपका एक्सिस ऑफ पाराबोला है, और एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है वाई इज इक्वल टू जीरो। तो अगर कोई पूछे कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स में एक्सिस का इक्वेशन क्या है, तो आप लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू जीरो। कैसे वाई इज इक्वल टू जीरो हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्सिस ही एक्सिस ऑफ पाराबोला है। क्लियर, चलो आते हैं चौथा नंबर में। अब हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स भी एक स्ट्रेट लाइन होता है, तो डायरेक्ट्रिक्स वो स्ट्रेट लाइन होता है जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो एक्सिस अगर वाई इज इक्वल टू जीरो है तो ऑब्वियसली डायरेक्ट्रिक्स जो होगा वो एक्स इज इक्वल टू समथिंग होगा। चलिए आइए, अब हम लोग जानते हैं कि वर्टेक्स से जितना पीछे फोकस उतना ही पीछे डायरेक्ट्रिक्स, तो एक लाइन होगा एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, तो डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये आपका चौथा नंबर हुआ। चलिए अब आते हैं पाँचवा नंबर, टेंजेंट एट वर्टेक्स। ये जो आप देख रहे हो वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, यहाँ पर जो ये लाइन है जो कि एक्चुअली वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस, और ये वाई एक्सिस जो है वो टेंजेंट की तरह ट्रीट कर रहा है, एक्चुअली टेंजेंट की तरह ट्रीट नहीं कर रहा है, एक्चुअली ये टेंजेंट है। किस पर टेंजेंट है, तो इस पाराबोला पे। कौन सा पाराबोला पे, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स पे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं टेंजेंट एट वर्टेक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स कौन हो गया, तो खुद वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स इज इक्वल टू जीरो। क्लियर, तो यहां तक कोई दिक्कत आई होप कि नहीं होना चाहिए। चलिए आइए, अब आते हैं हम लोग सिक्स नंबर। अब आते हैं किसी पॉइंट का,
वर्टेक्स से डिस्टेंस, सॉरी फोकस से डिस्टेंस, मतलब फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट। तो अगला जो हम लिखने जा रहे हैं वो है आपका फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट। मान लो पॉइंट P है, कोऑर्डिनेट x1, y1 है। हम लोग कोई पॉइंट है जिसका फोकल डिस्टेंस लिखने जा रहे हैं। फोकल डिस्टेंस का मतलब होता है फोकस से दूरी। चलिए आइए इसको भी दिखा देते हैं। मान लो ये आपका है P जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, ठीक है। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसका फोकस से डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं। तो आप तो कहिएगा सर ये तो बहुत आसान है, क्यों ना हम डिस्टेंस फार्मूला लगा के निकाल लें। ऑब्वियसली आप डिस्टेंस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। कहने का मतलब आप P से S को मिला दो तो ये जो PS हो जाएगा यही आपका क्या हो जाएगा, फोकल डिस्टेंस हो जाएगा। फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी एक्स वन वाई वन हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डेफिनेशन का यूज करते हैं। कौन सा डेफिनेशन यूज करेंगे, तो पाराबोला का डेफिनेशन यूज करेंगे। तो हमको पता है फोकल डिस्टेंस जो होता है वो PS हो जाएगा और PS इज इक्वल टू PM होता है। तो दिस इज इक्वल टू हम लिखेंगे PM, और PM कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं, यही हो गया PM। तो हमको पता है जो PS का डिस्टेंस होगा वही PM का डिस्टेंस होगा, और हमको पता है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपका हो गया x1, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हो गया a। तो इसका मतलब अल्टीमेटली जो PM हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो PM हो जाएगा x1 प्लस a। तो यहाँ लिखेंगे x1 प्लस a। तो हम लोग यहाँ विदाउट यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ ए पॉइंट या डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम फोकस, एंड दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल डिस्टेंस, ठीक है, या फोकल लेंथ भी कहते हैं इसको। चलिए आइए कैसे निकाले, तो डेफिनेशन का यूज कर दिए। हमको पता है PS इज इक्वल टू क्या होगा, PM हो जाएगा। तो उस बेसिस पे जब हम लोग निकालते हैं तो फोकल डिस्टेंस जो हो जाता है x1 का, किस कोई पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, वो हो जाएगा x1 प्लस a हो जाएगा। कितना आसान है, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा बेटर है आपका। तो इसमें देखो y कोऑर्डिनेट नहीं आया, लेकिन अगर जब आप डिस्टेंस फार्मूला से निकालते तो ये y1 वाला जो उसका भी यूज हो जाता। हालांकि अगर जब आप निकालिएगा तो सेम आ जाएगा, ऐसा नहीं कि डाटा आपका अलग अलग हो जाएगा, सेम ही डाटा रहेगा। लेकिन हमेशा हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, PS इज इक्वल टू PM लिखते हैं, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट आपको अभी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो और भी कुछ पॉइंट है जो हम लोग देखेंगे, इसके लिए हमको क्या करेगा, फिगर को थोड़ा सा और क्लियर करना पड़ेगा। तब तक इसको एक नज़र देखो, फिर लौट के आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, एक फिगर में सारा चीज़ दिखा सकते हैं, बट वो फिगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो फिर आपको खुद नहीं समझ में आएगा कि हम कहाँ वर्टेक्स है कहाँ फोकस है। इसलिए मैंने क्या किया कि 6 पॉइंट को प्रीवियस वाले फ़ोटो पे दिखा दिया। अब जो मैं आगे कुछ और दिखाने जा रहा हूँ उसके लिए मैं एक अलग ही पिक्चर ट्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। पाराबोला ही होगा क्योंकि हम लोग डिस्कस पाराबोला पे ही कर रहे हैं। तो यही है आपका पाराबोला जिसका इक्वेशन है y2 = 4x, ठीक है। कुछ चीज़ तो आपको दिखना है, फिर से दिखाना पड़ेगा, वह है फोकस a, 0, ये वर्टेक्स है आपका, ये एक्सिस है, इतना हमको पता है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्या, डबल ऑर्डिनेट। देखो डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, मान लो कि डबल ऑर्डिनेट के बारे में ही ना बताया था कि कोई भी कॉर्ड जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और टर्मिनेट कहाँ करता हो, टर्मिनेट करता हो कर्व पर, तो उसको हम लोग बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। और ये डबल ऑर्डिनेट जो है इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, इसको हम लोग Q डैश से दिखाएंगे। तो ये अगर Q है तो ये आपका Q डैश हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो Q डैश है इसको हम लोग बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। अब सवाल ये है कि डबल ऑर्डिनेट क्यों हो गया, तो आपको बता दें एवरी पाराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट इट्स एक्सिस। और यहाँ जो पाराबोला है y2 = 4x, ये x एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिक है। ये किसके अबाउट में सिमेट्रिक है, x एक्सिस के अबाउट में। इसका मतलब यहाँ से जितना ऊपर उतना ही नीचे। सपोज दैट मान लो कि इस q का कोऑर्डिनेट है x1, y1, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, y1। तो जब ये डिस्टेंस y1 हो गया तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस कितना हो गया, y1। जब दोनों डिस्टेंस का सम करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा,
y1 + y1 मतलब 2y1 मतलब, और y1 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, किसी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। यही कारण है कि इसको हम लोग बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। तो इसका मतलब छठा सातवां पॉइंट। अब हम लोग एंट्री मारेंगे डबल ऑर्डिनेट, ठीक है। तो यहाँ जो डबल ऑर्डिनेट है एक्चुअली वो है QQ' और QQ' कितना होगा, 2y1 होगा। ये कैसे हुआ, क्योंकि एवरी पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट इट्स एक्सिस, इसका रीजन यही है। तो यहाँ एक नोट लिख देता हूँ, ठीक है। क्या नोट है, यहाँ लिखेंगे एवरी पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट इट्स एक्सिस। हर पैराबोला अपने एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ से जितना ऊपर उतना ही नीचे, मतलब ये डिस्टेंस अगर y1 है तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस क्या होगा, y1 ही होगा। दैट्स वाई द डिस्टेंस फ्रॉम Q to Q' इज 2y1 एंड y1 इज द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P, दैट्स वाई इट इज डबल ऑर्डिनेट। सो हियर यू कैन से Q Q' इज इक्वल टू 2y1 एंड 2y1 इज डबल ऑर्डिनेट। क्लियर। चलिए हम लोग आते हैं अब आठवां नंबर में, जो कि है मेरा लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम क्या था, तो लेटेस्ट रेक्टम इज अ डबल ऑर्डिनेट पासेस थ्रू द फोकस। यही है आपका लेटेस्ट रेक्टम जो कि फोकस से पास करता है। तो आप जरा सा देख सकते हो, यही होगा लेटेस्ट रेक्टम। तो अगर ये एल है तो इसको हम लोग इंडिकेट करेंगे LL' से। तो LL' ही क्या कहलाएगा, आपका लेटेस्ट रेक्टम कहलाएगा। तो लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, इज इक्वल टू LL' हो जाएगा। और LL' क्योंकि ये डबल ऑर्डिनेट है, इसका मतलब इसका जो ऑर्डिनेट होगा उसका दुगुना कर देंगे। तो अब बताइए, अगर S का कोऑर्डिनेट A, 0 है तो L का जो X कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, A होगा। Y कोऑर्डिनेट कितना है ये हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं, ये हम लिखेंगे लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सिंस क्या होगा, LL' परपेंडिकुलर टू क्या हो गया, एक्सिस ऑफ पैराबोला, ठीक है। देयरफोर एब्सिसा एब्सिसा ऑफ S एंड L और L' आर सेम, ठीक है। तो देयरफोर पुट X बराबर A इन कहाँ, y² = 4x, क्योंकि इस L का X कोऑर्डिनेट कितना है, A है। तो ये L पॉइंट जो है पैराबोला पे लाई कर रहा है, तो पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर X की जगह में A रखेंगे तो उसके कंसर्निंग Y का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, दिस इम्प्लाई y² = 4aa, करने का मतलब y = ±2a। आपको बता दें कि प्लस माइनस 2a इसलिए आया क्योंकि एक वैल्यू ऊपर होगा दूसरा वैल्यू नीचे होगा। तो यहाँ से क्लियर है कि एक L जो है जिसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a, 2a और L' का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a, -2a, ठीक है। तो आपको लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी पता हो गया, लेकिन हमको लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ चाहिए। तो लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, इट इज द डबल ऑर्डिनेट पासेस थ्रू द फोकस। और यहाँ L का जब हम ऑर्डिनेट देखते हैं तो वो कितना आया, 2a, तो 2a का डबल ऑर्डिनेट क्या होगा, दुगुना कर देंगे। तो 2a × 2 करने का मतलब कितना हो जाएगा, 4a। तो आज के बाद से आप याद रखिएगा कि पैराबोला, ठीक है, पैराबोला का जो क्या कहते हैं लेटेस्ट रेक्टम होता है वो हो जाता है आपका 4a, जहाँ a क्या होगा, जहाँ a होगा वर्टेक्स से फोकस की दूरी। ये आप मेंशन कर लें, यहाँ लिखेंगे वेयर a इज व्हाट, इज a इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स टू फोकस। वर्टेक्स से फोकस का जो दूरी होता है उसी को हम लोग a से इंडिकेट करते हैं। अगर किसी पैराबोला का वर्टेक्स से फोकस का दूरी पता चल गया तो आराम से आप लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ लिख सकते हैं, और वो हमेशा 4a होता है। ऐसा नहीं कि किसी और पैराबोला में कुछ और हो जाएगा, हर पैराबोला के लिए ये डाटा आपका सेम है। इसको आप मेमोराइज कर लीजिए, द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम फॉर एनी पैराबोला इज इक्वल टू 4a। बट यहाँ a जो है, a के बारे में इंफॉर्मेशन जरूरी, बहुत जरूरी है। एक्चुअली a क्या है,
तो ए है आपका वर्टेक्स से फोकस का दूरी, ये आपको पता होना चाहिए। तो हर पैराबोला में वो चेंज कर देगा, तो जो भी ए का वैल्यू होगा उसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमेशा आपको क्या मिल जाएगा, लेटेस्ट रेक्टम मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको डबल ऑर्डिनेट और लेटेस्ट रेक्टम समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको एक नज़र देखो फिर मैं आगे बात कर देता हूँ। फिर वही बात, इसमें कुछ और भी चीज़ बताना है लेकिन मैं एक फिगर को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं एक नया फिगर लेकर के अगला जो पॉइंट होगा उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। चलो इधर देखो, एक फिगर में फिर से ट्रेस कर रहा हूँ, ये आपका वही वाला पैराबोला है जिसपे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो दिस इज y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये आपका फोकस हो गया s जिसका कोऑर्डिनेट 1,0 हो गया। एक होता है फोकल कॉर्ड, नाम से स्पष्ट है फोकल कॉर्ड मतलब फोकस से होकर पास करने वाला। तो कितना पॉइंट तक होता, 6, 7, 8 हो गया था, अब हम 9 नंबर में एंट्री मार रहे हैं। ये लिखेंगे फोकल कॉर्ड, ऐसा कॉर्ड जो फोकस से होके पास करे, ये ना मतलब हुआ, ऐसा कॉर्ड जो फोकस से होके पास करे। तो ये मान लो P है, ये Q है, ठीक है, तो यहां लिखेंगे हियर हियर पी क्यू इज फोकल कॉर्ड, कॉर्ड का है ऐसा, यहां लिखेंगे सिंस इट passes through the focus, क्योंकि ये focus से पास कर रहा है इसलिए इसको focal cord बोलेंगे। तो focal cord कोई नया चीज़ नहीं है, ये तो उसके नाम से ही स्पष्ट है कि focus से पास करने वाला जितना सारा भी cord होगा वो आपका क्या होगा, focal cord हो जाएगा। चलिए अब जो मैं इसका अगला पॉइंट दिखाने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है आपका पैरामेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन। अब मैं यहाँ ये डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ कि व्हाट इज पैरामीटर, क्योंकि व्हाट इज पैरामीटर ये जो है हम सर्कल में बहुत अच्छे तरह से डिफाइन कर दिए थे, और मैंने आपको कहा भी था कि ये चीज़ हर कर्व के लिए आता है। ठीक है, तो जब हम सर्किल पढ़ रहे थे तब मैंने वहाँ पे आपको पैरामीटर और पैरामेट्रिक इक्वेशंस के बारे में बताया था, तो यहाँ भी मैं पैरामेट्रिक इक्वेशन के बताने जा रहा हूँ। एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ, मैं लिखूंगा नहीं, कि पैरामीटर इज ए सिंगल वेरिएबल विच इज़ यूज टू एक्सप्रेस द अनदर वेरिएबल्स इन टर्म्स ऑफ दैट वेरिएबल। ठीक है, जनरली टी एंड थीटा आर यूज फॉर द पैरामीटर्स, तो यहाँ हम लोग टी का यूज करेंगे। ठीक है, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन किसका लिखने जा रहे हैं, ऑफ द स्टैंडर्ड सर्कल, स्टैंडर्ड पैराबोला। क्या है स्टैंडर्ड पैराबोला, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो यहाँ पे इसको आप याद कर लीजिएगा, x इज इक्वल टू ए टी का स्क्वायर, ठीक है, और y इज इक्वल टू 2at। जब आप x के जगह में at का स्क्वायर यहाँ रखोगे तो y का वैल्यू प्लस माइनस 2at आता है, लेकिन माइनस को इग्नोर करते हैं, सिर्फ पॉजिटिव साइन को कंसिडर करते हैं, तो x इज इक्वल टू at का स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2at जो है यही आपका क्या कहलाएगा, इज व्हाट, इज पारा मैट्रिक इक्वेशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, जहाँ पैरामीटर कौन होगा जी, तो यहाँ t जो है वो t पैरामीटर है, तो यहाँ लिखेंगे हियर t इज पैरामीटर। क्लियर हुआ, तो आज के बाद से याद रखिएगा कि x इज इक्वल टू ए टी का स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 2at जो है ये आपका क्या कहलाता है, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन कहलाता है। किसका, तो इस पैराबोला का, कौन सा पैराबोला, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। दैट इज अगर इसी को पॉइंट के टर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा ए टी का स्क्वायर कॉमा 2at, ये जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है इसी को हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। तो दिस इज पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, ठीक है, याद रहेगा, तो ये है आपका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। तो ये कुछ टर्म्स थे जो कि आपका स्टैंडर्ड पैराबोला से रिलेटेड थे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये किस पैराबोला के लिए सारा चीज डिस्कस हुआ, ये डिस्कस हुआ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए। ठीक है, तो मैं अब एक चार्ट आपके लिए बना देता हूं, उसको आपको और इसके अलावा जो 3 पैराबोला होगा उस पैराबोला के बारे में आपको डिस्कस करना है। ठीक है, तो पहले इसको देखो फिर आगे बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स,
यहाँ एक चार्ट देख रहे हैं, ये चार्ट आपको घर में फिल करना है, ये आपका होमवर्क है, जिसमें से मैंने एक कॉलम को तो कवरअप कर लिया और वो कॉलम था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के कंसर्निंग में, के संदर्भ में ये सारी बातें हम लोग ऑलरेडी अभी जस्ट डिस्कस किए हैं। तो इसको जब आप कर लिए, ठीक है, इस पाराबोला के लिए, तो बाकी जो रिमेनिंग पाराबोला है इसके लिए भी आपको करना है। तो मैं कुछ चीज़ आपके सामने दिखाना चाहता हूँ कि कैसे हम लोग करेंगे, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो खुद आपको करना है। चलिए, इस पाराबोला के लिए जो फिगर है वो आपको पता है, तो ये आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इस पाराबोला का जो फिगर होगा ये आपका इधर बैक साइड की तरफ इधर खुला हुआ रहेगा, ये आपका वर्टेक्स है, ठीक है, ये आपका वर्टेक्स है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। उसी तरह एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का जब फिगर लेंगे तो ये ऊपर की तरफ होता है, बाकी सब आपको डिसाइड करना है। उसी तरह जब हम इसका फिगर लेंगे तो ये नीचे की तरफ होगा, ठीक है। तो ये चारों इसमें से इसके बारे में तो हम लोग जानते हैं, बाकी तीन के बारे में डिस्कस करना है। वर्टेक्स आपका ये कॉमन होता है, वर्टेक्स आपका 0,0 होगा, वर्टेक्स आपका आपका कितना होगा 0,0, इसका भी वर्टेक्स कहाँ होगा 0,0, इसका भी वर्टेक्स कहाँ होगा 0,0। चलिए कुछ और लिख देता हूँ, फोकस, इसका फोकस किधर होगा एस, तो ये हो जाता है 1,0, इसका किधर होगा पीछे नेगेटिव एक्स की तरफ, तो ये हो जाएगा -1,0। उसी तरह से इसका देखो पॉजिटिव वाई की तरफ, तो इसका जो हो जाएगा 0,a हो जाएगा, इसका नेगेटिव वाई की तरफ, तो ये हो जाएगा 0,-a हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं कैसे कर रहे हैं हम लोग। चलिए उसके बाद यहाँ पे एक्सिस, इसका एक्सिस कौन है एक्स एक्सिस, मतलब वाई इज इक्वल 0, इसका एक्सिस कौन है वाई, वही एक्स एक्सिस, तो वाई इज इक्वल 0। इस पाराबोला का एक्सिस कौन है वाई एक्सिस, इसलिए एक्स बराबर 0। इस पाराबोला का एक्सिस कौन है वाई एक्सिस, इसलिए एक्स बराबर 0। मतलब इस तरह से हम इस चार्ट को फिलअप कर सकते हैं। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स आपका क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स देखिए यहाँ पे, इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या है, तो इसका डायरेक्ट्रिक्स था x इज इक्वल टू -a, इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा तो x इज इक्वल टू +a, इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा तो पीछे नीचे की तरफ होगा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -a, इसका डायरेक्ट्रिक्स ऊपर होगा तो y इज इक्वल टू +a। मतलब बहुत ही बहुत ही ईजी वे में हम लोग ये जो बाकी का तीन आपका स्टैंडर्ड पाराबोला है इसका हम इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं इन दिस चार्ट, ठीक है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, तो इन्फॉर्मेशन वहाँ आपको दिख रहा है, ठीक है। डबल ऑर्डिनेट आप दिखा सकते हो, तो फिगर में दिखा दीजिएगा, तो डबल ऑर्डिनेट को हम लोग जनरली क्यू क्यू डैश से ही इंडिकेट करते हैं, तो हर जगह आप क्यू क्यू डैश ही दिखा देना, ठीक है, ये हर जगह क्यू क्यू डैश ही दिखा देना। चाहो तो आप इसका डबल ऑर्डिनेट कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेके भी दिखा सकते हैं, ये होता है डबल ऑर्डिनेट। लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, हमेशा 4a होगा, इधर भी 4a, यहाँ भी 4a, यहाँ भी 4a, यहाँ भी 4a, ये डबल ऑर्डिनेट लेटर से। फोकल लेंथ क्या हो गया, तो इस केस में x प्लस ए, एक्स वन प्लस ए, इस केस में क्योंकि ये इधर है ना, इस साइड हो गया, तो यहाँ भी वही बात हो जाएगा, एक्स वन प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। इस केस में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे इस केस में अगर यहाँ ले लेते हैं तो इस बार y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, तो y ये डिस्टेंस y1 और प्लस a, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा y1 प्लस a, ये भी हो जाएगा y1 प्लस a, ये फोकल डिस्टेंस फोकल लेंथ हो जाएगा। फोकल कोड आप दिखा देना PQ, फोकल कोड में तो कोई दिक्कत नहीं है, सब जगह PQ दिखा दीजिए, बस जो भी कोड होगा वो आपका फोकस से पास करने वाला होगा। मेन आता है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या है, तो इस केस में पैरामीटर था 80 का स्क्वायर कोमा 280, ठीक है। इसमें क्या होगा कि x नेगेटिव लेंगे तो हो जाएगा -80 का स्क्वायर कोमा 280 हो जाएगा, गौर कीजिएगा, x नेगेटिव लेंगे तब ना x नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा और y स्क्वायर हर हाल में पॉजिटिव होना है, इसलिए यहाँ पे जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होगा वो -80 का स्क्वायर कोमा 280 हो जाएगा। चलिए इस केस में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट देखो, x के जगह में हो जाएगा x हो जाएगा 280, तो ये हो जाएगा 280 और y हो जाएगा 80 का स्क्वायर, क्लियर। और इस केस में y को नेगेटिव रखना है, तो y नेगेटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 280 और ये हो जाएगा -80 का स्क्वायर। तो इस तरह से हम ये चार्ट जो है फिल कर दिए, मैंने आपको कहा कि आपको फिल करना है, लेकिन मैंने आप एक बार इसको फिल कर दिया, आप चाहे तो इसको घर से में जैसे मान लीजिए यहाँ क्यू क्यू डैश दिखाया है, तो आप क्यू क्यू डैश को एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेकर के यहाँ पे क्यू क्यू डैश के बदले में 2y1 लिख सकते हैं। उसी तरह से मैंने यहाँ पी क्यू दिखाया, तो पी क्यू आप दिखा सकते हैं फिगर में, ठीक है। तो ये वो चार्ट है जो हर स्टैंडर्ड पाराबोला के लिए आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसको एक नज़र देखो फिर मैं आता हूँ।
हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर को मैं यहीं क्लोज करता हूं। ठीक है, यहां हम लोग क्या हुआ कि स्टैंडर्ड पैराबोला के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जब इतना सारा चीज़ पढ़ लेते हैं तो हम लोग इसके बारे में प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्योंकि विदाउट प्रॉब्लम थ्योरी का कोई मतलब नहीं होता है। तो जो अगला हमको लगता है कि दो लेक्चर होगा वो कम्प्लीटली आपका प्रॉब्लम बेस्ड होगा, मतलब जिसमें हम लोग प्रॉब्लम्स डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये लेक्चर आपने देखा और इसको आपने एंजॉय किया होगा, और आई होप कि आपको पैराबोला समझ में भी आ रहा हो, क्योंकि ये पैराबोला ऐसा बहुत सिंपल चैप्टर है, बस एक बार आपको स्टडी करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो टिल देन बाय बाय एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। एंड अगर आपका कोई दोस्त मेरे वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उसको भी आप शेयर कीजिए और उसको बोलिए कि वो भी सब्सक्राइब करे, क्योंकि उसके लिए हेल्पफुल है ये। ठीक है, आने वाले कोई भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम, खास करके जो IIT का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड हैप्पी लर्निंग।